राजीव सेन और चारू अशोभा अक्सर अपने झगड़ों की वजह से खबरों में रहते हैं, लेकिन अब चारू ने कुछ ऐसा रिवील किया है जिसके बाद फैंस टेंशन में आ गए हैं। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया पर फैंस को एक बड़ा अपडेट दिया है, लेकिन ये अपडेट उनके और राजीव के अनबन को लेकर नहीं बल्कि कपल की बेटी को लेकर है। जी हाँ, चारू ने हाल ही में अपनी बेटी जियाना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स की माने तो जियाना की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। चारू ने बताया है कि जियाना इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि नन्ही सी जियाना इतनी बीमार हो गई कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, अब ये भी सामने आ गया है। दरअसल चारू अशोभा ने सोशल मीडिया पर अपनी और जियाना की कुछ तस्वीरें शेयर की है। इसमें जियाना हॉस्पिटल के बेड पर दिखाई दे रही है, साथ ही जियाना के हाथ पर ड्रिप भी लगी हुई है। इन तस्वीरों को देख फैंस भी टेंशन में आ गए। वहीं चारू ने अपने पोस्ट में बताया कि उनकी बेटी को डेंगू हुआ है जिसके चलते वो हॉस्पिटल में है। हालांकि अब जियाना की हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। चारू ने अपने पोस्ट में लिखा, हाय मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, आज 3 दिन बाद मेरी जान मेरी नन्ही जियाना बेहतर महसूस कर रही है। 2 दिन पहले उसे डेंगू हुआ था और मुझे अपनी नन्ही परी पर बहुत गर्व है। वो बहुत बहादुर बच्ची है। पिछले कुछ दिनों में उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब वो ठीक हो रही है। वहीं अब चारू का ये पोस्ट देखने के बाद कई सेलेब्स और फैंस जियाना के जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। अब उम्मीद है कि जियाना जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौट आएंगे। वेल, हमारी आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिका जैन पंजाब केसरी दिल्ली से। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।